हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल धीरज योद्धा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करें, वो भी सही तरीके से अपलोड करके और अच्छे से वीडियो को एडिट करके, और कैसा कंटेंट क्रिएट करें कि आपकी वीडियो जो है यूट्यूब पे वायरल हो जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमें भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से धीरज योद्धा 777 आईडी पे जाइए, फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या शॉर्ट वीडियो को सही समय पे अपलोड करने से वीडियो वायरल होती है। तो इसमें मैं कहूँगा जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि आपको जो आपका शॉर्ट वीडियो है वो सही समय पे अपलोड करने पे आपकी जो वीडियो है वो वायरल होती है। क्योंकि मैं इस ट्रिक को यूज भी किया हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि किस समय आपको अपलोड करना है शॉर्ट वीडियो को। तो आपको सुबह के 6 या 7 बजे आप अपनी वीडियो को जब भी शॉर्ट बनाइए, आप शाम को मत अपलोड कीजिए, सुबह के 6 या 7 बजे आप उसे अपलोड कर दें। इससे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इससे क्या आपको फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो वीडियो होती है उसमें एनालिटिक्स में आपकी इम्प्रेशन जो इम्प्रेशन होता है वो बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो वो यूट्यूब जो भेज देता है इम्प्रेशन, तो वो क्या बोलते हैं ब्राउज फीचर से आपका ये वीडियो सारे दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप सुबह अपलोड किए वो किसी ना किसी बंदे के तो ब्राउज फीचर में ही रहेगा ही रहेगा। तो वहाँ से आपकी जो वीडियो है उसमें व्यूज आने का चांस बढ़ जाता है। और यूट्यूब पे सुबह अपलोड करने से आपकी जो इम्प्रेशन वहाँ शॉर्ट्स वीडियो जो देखते हैं उसमें से भी आपके चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए टाइम भी आपका महत्वपूर्ण है आपकी शॉर्ट वीडियो में व्यूज लाने के लिए। अब मैं दोस्तों दूसरा वीडियो बात करूँ तो दूसरा वो है कि आप जब अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए शॉर्ट वीडियो का, वो 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा ना हो। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत बंदे क्या करते हैं, 1 मिनट की वीडियो बना देते हैं, बहुत बंदे होते हैं 15 सेकंड की। तो आप 15 सेकंड की बनाइए, ना ही आप 1 मिनट की बनाइए। तो आप बनाइए कैसे, आप 20 से 30 सेकंड के बीच में ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाइए जिससे और कंटेंट थोड़ा अच्छा हो। अगर कंटेंट नहीं है तब भी आप 20 से 30 सेकंड के बीच में ही बनाइए। इससे आपका जो क्या बोलते हैं व्यूवर्स होंगे ज़्यादा इरिटेट नहीं होंगे, वो वीडियो जल्दी से एंड भी हो जाती है और आप अपनी पूरी बात भी कह सकते हैं 20 से 30 सेकंड में। और ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है कि आप अपने कंटेंट में कैसा ऑडियंस के लिए कैसा स्पीच रखते हैं, कि आप कैसे आपके कंटेंट में कितनी ताकत है कि आपकी वीडियो आगे तक चली जाए, यूट्यूब आगे तक भेजे। तो मेरे जहाँ तक मानना है आप 20 से 30 सेकंड तक ही अपना शॉर्ट वीडियो बनाए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यूट्यूब शॉर्ट वीडियो को बनाने में आपको एडिटिंग भी, वीडियो एडिटिंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि आप शॉर्ट बनाकर ऐसे नहीं अपलोड कर सकते। आपको वीडियो में एडिट करना होगा, तब आपकी शॉर्ट वीडियो और ही प्रोफेशनल लगेगी और ज़्यादा आप पे आपके चैनल पे वीडियो आपकी वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी बढ़ेगा, जितना ही ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेगा उससे ही ज़्यादा आपकी वीडियो वायरल होगी। तो दोस्तों, ये हो गया वीडियो एडिटिंग का। तो तुम चलिए मैं आपको वीडियो एडिटिंग और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग कैसे लगाया जाता है और उसे अच्छे से अपलोड बूस्ट कैसे किया जाता है, मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग चलिए अपने फ़ोन के बताता हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पास अपने काइन मास्टर को ओपन कर लिया हूँ, आप भी काइन मास्टर से वीडियो एडिट कीजिए करिए। तो मैं यहाँ पास क्रिएट न्यू पे कर दूंगा और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए यहाँ पास आप देख सकते हैं 9:16, तो इसी पे आपको क्लिक करना है 9:16 पर। तो इसी पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आ जाएगा। तो हम अब यहाँ से कोई वीडियो चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पास अपने DCM से जाता हूँ और यहाँ पास एक वीडियो है जो 14 सेकंड की है, उसे ले लेता हूँ। तो उसे लेने के बाद दोस्तों अब यहाँ पास मैं इसमें वीडियो में कुछ एडिट करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पास पहले कुछ लिखना चाहूँ तो यहाँ पास लेयर के ऑप्शन पे और यहाँ पास आप टेक्स्ट के ऑप्शन देख रहे होंगे, तो यहाँ पास इसी टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो भी लिखना है, तो मैं यहाँ पास सब्सक्राइब लिख देता हूँ, तो यहाँ पास मैं सब्सक्राइब लिख दिया। और इसको लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पास इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ और चाहे जहाँ इसे मैं
पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पास कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पास रेड रखना चाहता हूँ, उसके बाद ओके कर देना। उसको ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पास आप देख सकते हैं मेरा जो सब्सक्राइबर है वो लिख गया है। और अगर मैं यहाँ पास इसको बढ़ा भी सकता हूँ तो यहाँ पास मैं इसे बढ़ा देता हूँ, पूरा जितनी बड़ी वीडियो है उतना बड़ा मैं इसे कर देता हूँ। इसको करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पास ABCD का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसी ऑप्शन पर आप अपने ABCD को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पास सिलेक्ट करके और यहाँ ये वाला कर लेता हूँ, तो यहाँ पास ओके सिंपल्स कर देंगे तो यहाँ पास जो सब्सक्राइबर है वो मोटे मोटे अक्षर में दिखाई देने लगेगा। और अभी तक इस वीडियो को आपने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अब इसको करने के बाद दोस्तों अगर कुछ आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको फिर से यहाँ पास लेयर पे क्लिक करना होगा। तो इसी लेयर पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास ऑप्शन दिख जाएगा मीडिया का, तो इसी मीडिया के ऑप्शन पे आपको चले जाना होगा। तो मैं यहाँ पास मीडिया के ऑप्शन पे चले जाता हूँ और मैं यहाँ पास ये लाइक का लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो मैं यहाँ पास इसको यहाँ पास लगा देता हूँ, आप इसे छोटा बड़ा करके आप इसे लगा सकते हैं और इसे आप बढ़ा सकते हैं, और वीडियो आप अच्छे से एडिट कीजिएगा। इसीलिए इस वीडियो में आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पास अब देखिए हमारा जो वीडियो है, यहाँ पास ओके करते हैं, प्ले करते हैं, तो हमारे पास जो वीडियो है वो कैसे चलने रहा। और अगर आप इसमें और भी कुछ लगाना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पास स्टिकर भी लगा सकता हूँ, तो स्टिकर ढेर सारे हैं, तो कौन सा स्टिकर लगाऊँ, तो मैं यहाँ पास फूल का लगा देता हूँ। और ये जो फूल है वो आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, आपका मन जैसी आपकी वीडियो हो उसी प्रकार से आप वीडियो एडिट कीजिएगा। मैं यहाँ पास आपको टेम्परेरी दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो आप इसे ऐसे ही यूज कीजिएगा। यहाँ पास क्लासिक स्टिकर आप इसे पूरा यहाँ तक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पास हमारा जो वीडियो है, अगर आपके वीडियो में आवाज़ कम है तो यहाँ पास आप इस पर अपने वीडियो पे क्लिक कीजिए। तो मैं वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ पास आपको रिकॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इसे इसी पे क्लिक करके आप इसे अपना आवाज़ बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 150 कर देता हूँ और उसके ओके कर देता हूँ। अब देखिए मेरी आवाज़ जो तेज़ हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको एडिटिंग करना आ गया और इसे आप अपने फ़ोन में सेव करने के लिए यहाँ पास आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पास 180 पावर का और HD 720 पावर का, तो मैं यहाँ पास HD 720 पावर का कर देता हूँ। और यहाँ से आपका जो है आपकी जितना ही आप हाई करेंगे उतना ही आपकी MB ढेर जाएगी, और जितना ही लो करेंगे उतनी आपकी MB कम जाएगी। तो मैं यहाँ पास लो कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पास आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए मेरी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों ये सिंपल से आपकी फाइल में चली जाएगी। दोस्तों जो वीडियो है वो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पास हम देख भी सकते हैं वीडियो को। तो मैं यहाँ पास अलाउ कर देता हूँ, तो यहाँ पास आप वीडियो देख सकते हैं कैसी है। दोस्तों चलिए अब हम इसको अपलोड करते हैं और टाइटल डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए।